शर्मीली खरगोश की कहानी। एक गांव में बकरी, गधा, सांड रहते थे। वह तीनों रोज गांव के पास के जंगल में चरने जाते। साथ साथ जाके आने से अच्छे दोस्त हुए। एक दूसरे के प्रति प्यार से रहते थे। उन्हें रोज जंगल में चरने के लिए आना एक खरगोश देखकर वह बकरी, गधा, सांड मिलजुल कर आराम से रहते हैं। मेरे भी ऐसे दोस्त होते तो कितना अच्छा होता करके विचार किया। तो उन तीनों के पास जाकर उससे दोस्ती करो पूछने के लिए यह बहुत शर्मीली और डरी हुई थी। ऐसे रोज दूर से ही देखती पर कभी भी उनके पास जाकर बात करने का साहस ही नहीं कर पाई। एक दिन ऐसे ही अकेले खरगोश को लोमड़ी ने देखा। आहा, बढ़िया, कितना नरम आहार है। आज किसी भी तरह खरगोश का मांस खाना ही है, सोचकर उसके पीछे चलता गया। उस लोमड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए बेचारी छोटी सी खरगोश दौड़ती गई। दूर से दिखने वाले बकरी के पास जाकर, दोस्त, वह लोमड़ी मुझे भगाता आ रहा है, मुझे बचाओ ना करके पूछी। लोमड़ी उनकी तरफ ही आता देख खरगोश को लेकर दूर घास चरने वाले गधे के तरफ भागे और उसे खरगोश की स्थिति का वर्णन किया। लोमड़ी उनकी तरफ ही आता देख बिना देर किए तुरंत खरगोश को गधा अपने पीठ पर बिठाकर वह तीनों थोड़ी दूर में नदी में पानी पी रहे सांड की तरफ भागते हुए गए। पहुंचकर उससे लोमड़ी की बात बताई। यह सुनते ही सांड गुस्से से आगे बढ़कर उस चालाक लोमड़ी को अपने नुकीले सींगों से एक धक्का देकर उसे दूर फेंक दिया। हड्डियां टूटने से लोमड़ी गूंजते हुए भाग गई। इससे खरगोश को बहुत खुशी हुई। बकरी, गधा और सांड को धन्यवाद किया और कहा, मैं बहुत दिनों से तुम तीनों से दोस्ती करने के लिए देख रही थी, पर यह बात मेरे शर्म और डर के कारण नहीं कह पाई। यह बात सुनते ही वह तीनों हंस पड़े। सांड ने कहा, हाँ, दोस्ती करने के लिए डर कैसा? एक दूसरे की दोस्ती करने पर किसी के भी कोई दुख में दोस्तों की मदद लेकर जीत सकते हैं। आज से तुम भी हमारे दोस्त हुए। उन तीनों से दोस्ती करने की इच्छा आखिरकार पूर्ण होने के कारण खरगोश बहुत खुश था। इस कहानी की सीख है कि हमारे कमियों को छोड़ने पर ही हमारा भला होता है। कव्वे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कव्वे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा, हिरन भाई, तुम इन कव्वों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कव्वों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कव्वे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कव्वे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कव्वे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। सांड ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कव्वों ने
हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो, शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरे जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाव बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। आहा, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था, तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए, ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है। लालची शेर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। आज शेर को बहुत भूख लगा था। वह पहले पास के नदी में पानी पीकर खाने के लिए शिकार प्रारंभ करने की सोच रहा था। गुफा से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए नदी के पास गया। नदी में पानी पीने के बाद खाना ढूंढ रहा था, तब अचानक उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई दी। तभी एक खरगोश उस घने घास से बाहर निकला। शेर को देखकर खरगोश बहुत डर गया, उससे दूर भागते हुए बचने का प्रयास कर रहा था। लेकिन शेर ने तो उस खरगोश को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बेचारा खरगोश शेर के चंगुल में फंस गया। ये छोटी सी खरगोश मेरा भूख नहीं मिटा पाएगी। फिर भी खरगोश को खाने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक हिरन दिखाई देती है। शेर लालची होकर ऐसा सोचता है कि ये छोटी सी खरगोश को खाने के बदले में वो बड़ा जानवर खाना अच्छा है। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गए। उस हिरन को देख
देखने से अब इस खरगोश को खाने का मन नहीं था, तो तुरंत खरगोश को छोड़कर शेर हिरन के पीछे पड़ गया। यह देखकर खरगोश बार बार बच गया, सोचकर भागने लगी। शेर हिरन के पीछे तेजी से भाग रहा था, तो होशियार हिरन उससे भी तेजी से भागने लगी। हिरन को शेर लपकना चाहकर बहुत ही मेहनत करने पर भी वह उसके आंखों के सामने गायब हो गया। आखिर में शेर के लालच की वजह से हिरन तो क्या, उस खरगोश तक को भी पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि वह पेड़ के दोनों पक्षियों से अच्छा तो हाथ के एक पक्षी की कीमत बहुत है।